हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू शानू कुटन सी एस सो इन दिस वीडियो वी विल सी डायरेक्टरी बेस्ड कैश कोहरेंस प्रोटोकॉल सो कैश कोहरेंस प्रोटोकॉल हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि क्या होता है सो कैश कोहरेंस जनरली जब हम मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में मल्टी प्रोसेस का यूज़ करते हैं और हर प्रोसेसर के पास उसकी खुद की कैशेज होती हैं और अगर कोई एक प्रोसेसर अपनी लोकल कैश को अपडेट करता है बट ये अपडेशन दूसरे रिमोट कैशेज में नहीं होता है या शेयर्ड मेमोरी में नहीं हो पाता है तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कैश गेंस प्रॉब्लम और इसे सॉल्व करने के लिए हमने दो प्रोटोकॉल्स देखे थे स्नूपी बस प्रोटोकॉल जो कि हमने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में देखा हुआ है और नेक्स्ट सेकेंड है जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल सो स्नूपी बस प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि वो बस बेस सिस्टम में यूज़ होता था जहाँ पे मल्टी प्रोसेस एक ही सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेस हैं और बस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बट उसमें इशू ये था कि वो स्केलेबल नहीं था ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस हम उसमें ऐड नहीं कर पाते थे ओके okay, सो so उसका सॉल्यूशन था डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल्स सो डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल्स कहाँ यूज़ होता है इन स्केलेबल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स स्केलेबल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स को हम कह सकते हैं नूमा मशीन्स ठीक है नूमा मशीन्स क्या होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी सिस्टम्स है ना डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी शेयर्ड मेमोरी में भी सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो ये डी एस एम दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी सिस्टम्स हम इसे भी कहते हैं इसमें क्या होते हैं प्रोसेसर्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं बट बसेस के थ्रू नहीं यूजिंग सम पॉइंट टू पॉइंट वायर्स ठीक है और वी कैन से लाइक क्रॉस बस स्विचेज मल्टी स्टेज नेटवर्क इसके थ्रू प्रोसेस uh, आपस में कनेक्टेड होते हैं सो so, जिसे हम स्केलेबल मल्टी प्रोसेस सिस्टम कहते हैं और सिंपली अगर बोले तो मल्टीपल एस एम पीज़ को हम कनेक्ट करके ये नूमा मशीन बनाते हैं ओके एस एम पी इज़ अ सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सो अब डायरेक्टरी बेस प्रोटोकॉल क्या होता है ओके तो डायरेक्टरी बेस्ड कैश कोरेंस प्रोटोकॉल में जो मेन पॉइंट ये है कि ये यूज़ करता है कैश डायरेक्टरीज़ को ओके कैश डायरेक्टरीज़ को यूज़ करता है अब ये कैश डायरेक्टरीज क्या रखती हैं दे यूज़ टू कीप इंफॉर्मेशन ठीक है अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द लोकल कैशेस और हम बोलें तो कैश डायरेक्टरीज क्या होती हैं दे आर यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ ऑल कैश ब्लॉक्स जितने भी प्रोसेस हैं और उन प्रोसेस की कैशेस में जितना भी डेटा रखा हुआ है कौन कौन सा डेटा किस किस कैश में है ये सारे की इंफॉर्मेशन इस डायरेक्टरी में स्टोर रहती है ठीक है सो डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल इसके नाम पे ही बना हुआ है डायरे कैश डायरेक्टरीज का यूज़ कर रहे हैं इट मीनस डायरेक्टरी बेस प्रोटोकॉल हो गया सो so, डायरेक्टरी में क्या होता है ग्लोबल स्टेट इन्फॉर्मेशन रहता है अबाउट द कंटेंट ऑफ वेरियस लोकल कैशेस। ओके सो अब इस डायरेक्टरी का यूज़ किस लिए होता है और कैसे करता है ये डायरेक्टरीज जनरली एक फ़िल्टर की तरह वर्क करता है ओके डायरेक्टरीज एक्ट एज अ फिल्टर जहाँ पे प्रोसेसर्स कोई भी डेटा अगर उसे लोड करना है प्राइमरी uh, मेमोरी से उसके कैश में तो उससे वो परमिशन लेता है सो वे द प्रोसेसर्स आस्क परमिशन टू लोड एन एंट्री फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू इट्स कैश मेमोरी सो अगर वो डेटा वैलिड है तो वो उसे लोड करता है अगर नहीं है तो वो उसे नहीं करता है तो so केस अगर कोई डेटा की एंट्री उसमें चेंज हो जाती है ठीक है तो क्या करेगा डायरेक्टरी का ये काम रहेगा कि उस डेटा को वो अपडेट करे या फिर इनवैलिडेट करे अदर कैश में तो अगर मल्टीपल कॉपीज़ अवेलेबल है कैशेस में कोई भी एक कैश अपडेट कर देता है कैश को तो दूसरे रिमोट कैशेस में उसे उस कॉपी को हमें या तो इनवैलिडेट करना है या फिर अपडेट करना है तो ये दो चीज़ें काम रहता है डायरेक्टरी का करने का ओके सो एक्चुअली ये आया था स्नूपी बस प्रोटोकॉल के पहले बट स्टू बस प्रोटोकॉल भी काफ़ी यूज़फुल है बहुत से सिस्टम्स में यूज़ होता है बट उसमें इशू ये था कि वो स्केलेबल नहीं है ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोसेस में हम ऐड नहीं कर सकते सो so, इसका सॉल्यूशन है डायरेक्टरी बेस्ड स्कीम्स सो अगर आपको ज़्यादा स्केलेबल मल्टी प्रोसेस सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोसेस ज़्यादा ऐड करने हैं तो हम कैश कोरेंस को मेनटेन करने के लिए डायरेक्ट्री बेस्ड स्कीम का यूज़ करते हैं जिसमें कैश डायरेक्ट्रीज मेनटेन होती हैं और कैश डायरेक्ट्रीज क्या रखती हैं

यहाँ शेयर मेमोरी दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्टरी मेंटेन हो रही है जिसे हम कैश डायरेक्टरीज कहते हैं बिकॉज ये कैश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है कि कौन कौन से कैश में कौन कौन से डेटा की कॉपी है और या किस में कॉपी नहीं है ओके okay, सो so अगर हम इसे बात करें सपोज एक एक्स ब्लॉक की बात करें मेमोरी का एक एक्स ब्लॉक है ठीक है उसमें एक डेटा रखा हुआ है और वो डायरेक्टरी क्या शो कर रही है चार यहाँ पे एन नंबर ऑफ़ पॉइंटर्स शो कर रही है फोर पॉइंटर्स फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास सपोज़ फोर प्रोसेसर्स के फोर कैशेज़ हैं सी जीरो सी वन सी टू एन सी थ्री तो ये चारों प्रोसेसर कैश के लिए यहाँ पे चार पॉइंटर्स होंगे ओके सो टिपिकली बात करें तो देर आर एन पॉइंटर्स फॉर एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स अब ये एन पॉइंटर्स क्या शो कर सकते हैं ये ये शो करते हैं कि कौन कौन से कैशज में कॉपी अवेलेबल है तो दे कुड बी एन कैस्ड कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक शेयर्ड बाय ऑल प्रोसेस तो अगर चार प्रोसेस हैं तो यहाँ चार कॉपीज तो यहाँ इसके पास एक कॉपी इसके पास एक कॉपी इसके पास एक कापी इसके, इसके पास हो सकती है एक्स की तो बिकॉज एन नंबर ऑफ प्रोसेस हैं और एन नंबर ऑफ कॉपीज अवेलेबल हो सकती हैं पहले सारे प्रोसेस में तो हमने यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉइंटर्स रखे हैं एन नंबर ऑफ पॉइंटर्स तो अगर फोर प्रोसेस हैं तो यहाँ फोर नंबर ऑफ पॉइंटर्स होंगे दैट्स वाई इसका नाम है फुल मैप डायरेक्ट्री फुल मैप का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं एन नंबर ऑफ प्रोसेस हैं सो एन नंबर ऑफ यहाँ पे पॉइंटर्स होंगे सो so, हर मेमोरी ब्लॉक में क्या होता है एन बिट का वैक्टर होता है एन बिट का वैक्टर मेंटेन होता है और एन इक्वल्स टू क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोसेस इन द शेयर्ड मेमोरी सिस्टम और हर एक बिट करस्पॉन्ड करता है एक एक प्रोसेसर को सो so, अगर यहाँ फोर बिट का सपोज वेक्टर है तो यहाँ वन क्या शो कर रहा है इस वाले कैश में कॉपी यहाँ पे इसकी अवेलेबल है ठीक है तो एक्स ब्लॉक की कॉपी एक कैश ज़ीरो में अवेलेबल है और ये वाला क्या शो कर रहा है कि ये वाले प्रोसेसर के कैश में भी अवेलेबल है बाकी यहाँ ज़ीरो ज़ीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और ये वाले ज़ीरो का मतलब कि यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे कॉपीज अवेलेबल नहीं है तो इसलिए ज़ीरो ठीक है यहाँ पे कॉपीज़ अवेलेबल नहीं है इसलिए ज़ीरो और बाकी ये दोनों में कैशेज़ में कॉपी अवेलेबल है दैट्स वाई इट शोज़ वन सो दिस इज़ वाट फुल मैप डायरेक्टरी अब इसमें इशू ये रहता है कि मेमोरी काफ़ी बर्डन हो जाती है बिकॉज उसमें हमें एन नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स के लिए हर एक ब्लॉक के लिए जितना भी डेटा है हर डेटा के साथ उसका चार बिट का वेक्टर रखना पड़ेगा जिससे मेमोरी की साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है ठीक है तो इसका सॉल्यूशन आया फिर लिमिटेड डायरेक्ट्रीज लिमिटेड डायरेक्टरीज में क्या होता है हम एन नंबर ऑफ प्रोसेस अगर हैं तो हम एन नंबर ऑफ यहां पे पॉइंटर्स नहीं रखते हैं ठीक है तो यहां पे हम लिमिटेड नंबर ऑफ और यू कैन से फिक्स नंबर ऑफ पॉइंटर्स रखते हैं पर डायरेक्टरी एंट्री रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेस तो अगर चार प्रोसेस हैं तो चार एंट्रीज नहीं रहेंगी सपोज हमने फिक्स कर लिया कि यहाँ दो पॉइंटर्स होंगे और दो पॉइंटर्स होंगे और इट मीनस कितने नंबर ऑफ प़्रोसेसर्स हो उससे कोई हमें मैटर नहीं कर सकता दो अगर पॉइंटर्स हैं तो अगर दो कैशेस सपोज एक्सेस करती हैं उस डेटा को तो सिर्फ दो ही कैशेस की वहाँ पे एंट्री रहेगी ओके सो फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉइंटर्स पर डायरेक्टरी एंट्री रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ़ प्रोसेस सो ये रेस्ट्रिक्शन लगाने से क्या हो सकता है जो आ, नंबर ऑफ कैश ब्लॉक्स जो एक्सेस कर सकते हैं पैरेलली वो भी लिमिट हो जाएगी मीन्स यहाँ दो ही लोग यहाँ एक्सेस कर सकते हैं उस कैश्ड कॉपीज़ को बट इससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी जो फुल मैप में इशू आ रहा था मेमोरी साइज का बिकॉज हमने डायरेक्टरी के पॉइंटर्स की साइज़ यहाँ पे कम कर दी है एनबिट वेक्टर की साइज़ यहाँ पे कम कर दी है ओके सो अब यहाँ क्या शो कर रहा है कि सी ज़ीरो में डेटा अवेलेबल है एक्स का और सी टू क्या शो कर रहा है सी टू पॉइंटर मीन्स यहाँ ये वाले कैश में ये वाला डेटा अवेलेबल है दिस इज वॉट लिमिटेड डायरेक्टरी अब दिक्कत ये आ रही है कि बाकी लोग यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ दो ही है तो दो ही यहाँ कैश कॉपी रख सकता है दो प्रोसेस सो so, इसका सॉल्यूशन अब आएगा चेंज डायरेक्टरी में चेंज डायरेक्टरी नाम से आ, ये रेफर करता है कि ये लिंक लिस्ट है ठीक है लिंक लिस्ट की तरह वर्क करता है सो चेंड डायरेक्टरी बिकॉज लिमिटेड डायरेक्टरी में हमने देखा इशू था कि लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंटर्स ही रह सकते थे और लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेस में ही कैश रह पाते थे तो फुल मैप को ही ये इमुलेट करता है मीन्स अब इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं उतने नंबर ऑफ कॉपीज रह सकते हैं बट ये कैसे करता है विद द हेल्प ऑफ द चेंज डायरेक्टरीज ठीक है कैसे बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग द डायरेक्ट्री अब चेंज डायरेक्ट्री थर्ड वन नाम से ही क्लियर है कि ये चेन की तरह वर्क करता है और अगर हम बोले तो ये लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट की तरह वर्क करता है ठीक है लिंक लिस्ट में क्या होता था एक दूसरे को पॉइंट करता था दूसरा तीसरे को पॉइंट करता था तीसरा चौथे को पॉइंट करता था ओके और लिंक लिस्ट का कुछ ना कुछ एक एंड होता था सो so, चेंज डायरेक्टरी जनरली फुल मैप डायरेक्टरी की तरह है जो कि लिमिटेड डायरेक्टरी का जो इशू था कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ एंट्रीज ही रखता था डायरेक्टरी में जिससे लिमिटेड कैश कॉपी रह पाती थी प्रोसेस में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फुल मैप के जैसा ही हमने यहाँ चेंज डायरेक्टरी को इमुलेट किया है ठीक है बट कैसे बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग द डायरेक्ट्री अमंग द कैशेस हमने यहाँ पे कैशेज़ में इस डायरेक्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ये डायरेक्ट्री की एंट्रीज एक जगह मेमोरी में एक साथ नहीं रहेंगी अगर एन प्रोसेस थे तो एन नंबर ऑफ एंट्रीज रहती थी फुल मैप में तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सारे प्रोसेस uh, कैश में कैसे किया है uh, हमने क्या किया है यहाँ पे सपोज इनिशियली uh, ये जो एंट्री दिख रही है इनिशियली यहाँ पे सी टू एन डेटा दिख रहा है मीनस एक्स जो ब्लॉक है जिसमें डेटा स्टोर्ड है वो पॉइंटर क्या लिखा हुआ है सी टू मीन्स ये किसे पॉइंट कर रहा है सी टू में ठीक है तो सबसे पहले इस ब्लॉक को एक्सेस किया सी टू ने और सी टू पॉइंट कर रहा है सी ज़ीरो को ठीक है तो जैसे ही हम सी टू के पास जाएंगे उस सी टू के डायरेक्टरी में हमें दिख रहा है एक सी ज़ीरो इट मीन्स उसके बाद इस डेटा को किसने एक्सेस किया है सी ज़ीरो ने तो इसके पास ये जाएगा इसके बाद ये जाएगा ये पॉइंटर सी ज़ीरो के पास ठीक है अब सी जीरो में आने के बाद हमें दिख रहा है कि उसके पॉइंटर में क्या है सी टी लगा है तो सी टी इज अ चेन टर्मिनेशन ठीक है जैसे लिंक लिस्ट का एक टर्मिनेशन होता है वैसे ही इस चेन का भी एक टर्मिनेशन है तो जहां भी सी टी हुआ इट मीन्स ये चेन यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है ओके तो इससे हमें पता चला कि इस डेटा की कॉपी कहाँ कहाँ है एक तो इस प्रोसेसर में है सी टू में और दूसरा किस प्रोसेसर में है सी जीरो में है दो जगह कॉपी अवेलेबल है सबसे पहले डेटा कहाँ गया C2 में गया ओके okay? C2 में गया और C2 में जाने के बाद उसके डायरेक्टरी में क्या दिख रहा है पॉइंटर C0 दिख रहा है ठीक है इसके बाद C0 ने इस कॉपी को एक्सेस किया रीड किया तो दिस इज वॉट चेंड डायरेक्ट्री तो इससे क्या हो जाता है कि जो साइज़ की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जा रही है है ना तो सॉल्विंग द डायरेक्टरी साइज प्रॉब्लम विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ शेयर्ड ब्लॉक कॉपी या हम रेस्ट्रिक्शन भी नहीं दे रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक कॉपीज को हम शेयर कर सकते हैं जैसा कि लिमिटेड डायरेक्ट्री में होता था तो फुल मैप का और लिमिटेड डायरेक्ट्री दोनों का ये सॉल्यूशन है ओके सो चेन डायरेक्ट्रीज कीप ट्रैक ऑफ शेयर कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक बाई मेंटेनिंग अ चेन ऑफ डायरेक्ट्री पॉइंटर्स सो यहाँ हमने देखा ये चेन ऑफ डायरेक्ट्री पॉइंटर्स है पहले इनिशियली यहाँ पे सी टू है पॉइंट पॉइंटर के थ्रू पॉइंट कर रहा है देन ये सी जीरो पॉइंटर के थ्रू यहाँ पॉइंट कर रहा है देन लास्ट में सी टी सो दिस इज़ वॉट डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर लें और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल जरूर प्रेस कर लें